नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय बालिकाओं, लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना काल जैसी महामारी से हम सभी को लड़ना है, बचाव करना है और लोगों को जागृत करना है और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू है और प्रतिदिन आप अपने इस यूट्यूब चैनल को देखिए, पढ़िए और अच्छे अंक लाने की कोशिश कीजिए। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रेमचंद जी की सुप्रसिद्ध कहानी पूस की रात। पूस की रात कहानी की मूल संवेदना में खुले आसमान के नीचे सर्दी से बचने की समस्या है। हल्कू को पूस की रात में अपने खेत की रखवाली करनी होती है। इसके लिए ठंड से बचने के लिए उसको कंबल की आवश्यकता है। भयंकर पोस मास और उसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है। कड़ाके की ठंड में खुले खेत के अंदर वो खेत की रखवाली कर रहा है। उसके पास ओढ़ने को कंबल भी नहीं है। वह कंबल खरीदने के लिए कठोर परिश्रम करके, मजदूरी करके 3 रुपए जमा करता है। कितने रुपए? मात्र 3 रुपए जमा करता है, किंतु उन 3 रुपयों को सहना महाजन को दे देता है। अब वह पूस की रात में बिना कंबल के ठंड से ठिठुरता है। ठंड प्रति रात्रि प्रतिदिन बढ़ती जाती है और आज की रात में शीत का भयंकर प्रकोप था। ठंड जब नहीं सही गई तो वह कुत्ते के साथ पास के आम के बगीचे में जाकर पत्तियां इकट्ठी करके अलाव जला करके तापने लगता है। एक कुत्ता है उसके पास जिसका नाम है जबरा। जबरे के साथ वो पत्तियां बीन करके, कचरा ढूंढ करके अलाव जलाता है और उससे खुद को और कुत्ते को तापता है, लेकिन वह गर्मी पाकर वहीं सो जाता है। उसका कुत्ता नील गायों से खेत की रक्षा करता हुआ भौंक भौंक करके मर जाता है। खेती एवं मजदूरी की समस्या। इस कहानी में दूसरी समस्या आती है, खेती छोड़ करके मजदूरी करने की समस्या। जिन दिनों में ये कहानी लिखी गई थी उन दिनों किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय बनती जा रही थी। फसल कभी अतिवृष्टि से तो कभी अल्पवृष्टि से, कभी पाले से और कभी टिड्डी दल इत्यादि के द्वारा नष्ट होती जाती थी। किसान को लगान चुकाने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए और फिर बीज बोने के लिए बीज खरीदने हेतु महाजन का सहारा लेना पड़ता था और उस पर भारी ब्याज अदा करना होता था। ये कर्ज बढ़ता ही जाता था क्योंकि किसान अपना ऋण चुका नहीं पाता था, तो ब्याज पर ब्याज उसके चढ़ता जाता था, बाकी कभी चुकाने में ही नहीं आती थी। दूसरी तरफ मजदूर थे जो मजदूरी करते और सामान्य किसानों की अपेक्षा सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। अतः किसान ऐसी दशा में कृषि कर्म से विरत होकर मजदूरी की ओर उन्मुख हो रहे थे। मुन्नी का ये कथन इसी पीड़ा को और भी ज्यादा अभिव्यक्त कर देता है। तुम छोड़ दो अब ये खेती, तुम छोड़ दो अब ये खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी, अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो। ऋण की समस्या। प्रस्तुत कहानी में किसान को ऋण से ग्रस्त रहने तथा जीवन भर उसका ब्याज चुकाने की समस्या घेरे रहती है। इसी समस्या से हल्कू किसान ऋण के भार से
निरंतर दबता जाता है और ऋण किसी भी प्रकार से उनके चुकाने पर भी नहीं चुक पाता, कर्जे पर कर्जा उनके चढ़ता जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। इसी प्रकार ये मजदूर किसान दबता जाएगा और ऋण चुका नहीं पाता। आर्थिक विषमता की समस्या, पूस की रात कहानी में निश्चित रूप से कंबल की समस्या है, कृषक की ऋण की समस्या और तत्कालीन कृषकों द्वारा कृषि छोड़कर मजदूरी करने की समस्या है, लेकिन इन समस्याओं का मूल कारण आर्थिक अभाव है, गरीबी है, दरिद्रता है। अतः पूस की रात कहानी की मूल संवेदना आर्थिक अंतर विरोध की समस्या है। कौन सी समस्या है? आर्थिक अंतर विरोध की समस्या। भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता और कार्य कोई करे तथा मौज कोई उड़ाए, इसका उद्घाटन इस कहानी की मूल समस्या है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने यह व्यक्त किया है कि भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता और कार्य कोई करे, काम तो कोई और करता है और मजे कोई और उड़ाता है, इसका उद्घाटन कहानी की मूल संवेदना है। इस बात को स्पष्ट करना है कि काम कोई और करे और फल कोई और पाए, इस बात को प्रस्तुत करना ही इस कहानी का मूल उद्देश्य या मूल संवेदना है। निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि पूस की रात कहानी का नामकरण कथा वस्तु की व्यंजना करने वाला है, सार्थक है, रोचक है तथा संक्षिप्त भी है। इस कहानी की मूल संवेदना आर्थिक विषमता से ग्रस्त किसानों की विवशता के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना है। इस दृष्टि से ये कहानी बहुत ही सफल कहानी है। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी बालिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद।